वाले हैं 5 रूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर इन रूल्स को आप समझेंगे एंड इन रूल्स को आप फॉलो करेंगे देन आप डेफिनेटली बहुत ही इजीली एंड एफर्टलेसली अपने विशेस को एंड डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये जो रूल्स है उसमें से जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल है, वो है फोकस। यस, जब भी आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जब भी आप किसी चीज़ को अचीव करो, कोई यू नो डिज़ायर हो, कोई ड्रीम हो, देन यू हैव टू नो फोकस ओनली ऑन दैट अचीवमेंट, ओनली ऑन दी एंड रिजल्ट्स। तो आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड जैसे कि हम बोलते ही हैं कि यू अट्रैक्ट वॉट एवर यू फोकस ऑन, तो आपका फोकस आपके गोल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, एंड रिजल्ट के ऊपर होना चाहिए, ना कि आप प्रोसेस के ऊपर ध्यान दें, ना ही आप हाउ ये कैसे होगा उसके ऊपर ध्यान दें, ना ही आप ऑब्स्टेकल के बारे में सोचें और उसके ऊपर फोकस करें। सो फोकस ऑन ओनली व्हाट यू वांट, ठीक है। तो ये पहला रूल है। दूसरी चीज़ है बिलीव। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके अंदर वो सेल्फ बिलीफ एंड यूनिवर्स के ऊपर वो बिलीफ होना चाहिए। जब तक आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते 100% कि ये चीज़ हो सकती है या ये चीज़ मैं अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तब तक आप यू नो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज आपके बिलीफ का बहुत ही मेजर रोल होता है। लैक ऑफ बिलीफ, आप बहुत ज़्यादा यू नो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हो, ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिसकी वजह से आप मैनिफेस्टेशन में रुकावटें को फेस करते हो। इसीलिए बिल्कुल आपको 100% बिलीफ एंड फेथ रखना होता है अपने डिज़ायर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद का जो तीसरा रूल है वो है बैलेंस। किस चीज़ का बैलेंस? इमोशन का बैलेंस। आपको अपने इमोशंस के ऊपर बैलेंस रखना होगा, एक बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो आउटकम के साथ, तब आप डेस्परेट होंगे, आप वरीड होंगे, आपको डाउट्स आएंगे। सो जस्ट बैलेंस योर इमोशंस फर्स्ट, ठीक है। जितना आप यू नो अपने आप को डिटैच रखेंगे उतना ही जल्दी आप मैनिफेस्टेशन को यू नो अपनी लाइफ में अचीव करेंगे। सो इसीलिए इमोशंस को बैलेंस करो और नेगेटिव इमोशंस जो भी है उसको जस्ट रिलीज कर दो, ठीक है। उसके बाद का जो चौथा रूल है वो है एक्शन। हमेशा आप फैंटेसी करेंगे, मतलब कि विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन व्हेन देयर इज अ टाइम टू टेक एक्शन यू डोंट टेक एक्शन। सो आपको एक्शन लेना है एंड आपको रिक्वायर्ड और राइट एक्शन लेना है, वो भी राइट टाइम के ऊपर। तो वो एक अलाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि कब आपको क्या करना है, कब आपको क्या सोचना है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। सो एक्शन लेना पड़ेगा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। अब उसके बाद जो लास्ट रूल है वो है लेट गो। डोंट सेट टाइम फ्रेम्स। बहुत बार लोग टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं, उससे क्या होता है ना कि जैसे जैसे वो टाइम फ्रेम नज़दीक आता है दे गेट डेस्परेट, एंड जब डेस्परेट एक बार हो जाएंगे फिर आप वो एंगजाइटी को, वो जो वरीज होती है आपके अंदर, उसको आप फिर यू नो डील नहीं कर पाते उसके साथ, एंड आप खुद ही खुद का ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। सो डोंट सेट टाइम फ्रेम, एवरीथिंग विल बी हैपन इन डिवाइन ऑर्डर एंड डिवाइन टाइम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जस्ट आपको आपके यू नो गोल के ऊपर काम करते रहना है, एक्शन लेते रहना है, एंड आउटकम्स के बारे में नहीं सोचना है, वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो आपको उसके बारे में कैसे होगा वो नहीं सोचना है, जस्ट डिसाइड व्हाट यू वांट एंड उसके ऊपर फोकस रखना है सिर्फ, ठीक है, लेट गो ऑफ ऑल वरीज एंड डाउट्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ इतना ही समझने की ज़रूरत है, इतना ही करने की ज़रूरत है, इससे आप बहुत ज़्यादा यू नो अपने लाइफ में सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड एक और चीज़ जो मुझे याद आई वो ये है, कंसिस्टेंसी। यस, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो ना तो उसको आप बीच में से छोड़ा मत करिए, बीच में से गिव अप मत करिए, उसको 100% दीजिए और पूरा कंसिस्टेंट आप रहिए उसमें। कंसिस्टेंसी से आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कितना भी आपको फेलियर मिले, कितना भी आपको मुश्किलें आए, डिफ़िकल्टीज आए, स्टिल कीप ट्राइंग एंड कीप डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, बिकॉज अगर आप गिव अप करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। सो जस्ट कीप ट्राइंग, ठीक है, कंसिस्टेंट रहिए, बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बस यही चीज़ है। पेशेंस भी मैं आप बोल सकती हूँ, देखिए मैंने 5 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता दिया। पेशेंस भी होना चाहिए, डेस्परेट होकर एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट्स की अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपको फेलियर मिलेगी। सो डोंट वरी अबाउट टाइमिंग, आपको पेशेंस रखना है एंड आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है, ग्रेटफुल रहना है। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, एंड आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।